कन्हा जी के रथ का नाम है नंदी घोष, सुभद्रा मैया के रथ का नाम है द्वारपालना और बलराम जी के रथ का नाम है तड़ ध्वज। लोग आते तो हैं, रथ के दर्शन करते हैं, लेकिन उनको रथ के नाम ही नहीं याद है। अगली बात जो आपको इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ, जगन्नाथ जी की जो रथ की हाइट है, जगन्नाथ जी का सब कुछ सबसे बड़ा, ही इज द बॉस, ठीक है ना। तो जगन्नाथ जी के रथ की हाइट है 44 फीट। बलदाऊ भैया के रथ की हाइट है 43 और सुभद्रा मैया की जो रथ की हाइट है वो है 42 फीट। उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ में कितनी लकड़ियां उपयोग की गई हैं रथ को बनाने के लिए, 832। बलराम जी के रथ में लगी है 763 और सुभद्रा मैया के रथ पे लगी है 593 लकड़ियों का उपयोग किया गया है। जगन्नाथ जी के रथ को चलाते कौन है? दारुक। बलदाऊ जी का जो रथ चलाया जाता है वो है मातिल्ला और सुभद्रा मैया का जो रथ चलाते हैं वो है अर्जुन। तो जगन्नाथ जी के रथ के रस्सी का नाम है शंखचूड़ नागिनी, बलराम जी के रथ के रस्सी का नाम है वासुकी नाग और सुभद्रा मैया के रथ के रस्सी का नाम है स्वर्ण चूड़ा नागिनी।